गाइज यार सावधान, 50 से अधिक छात्रों का यूफेम लगा है। जी हाँ गाइज, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश यूटिक में। तो गाइज यार, इकेटीयू के 50 से अधिक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका गाइज यार उनका यूफेम लगा है। जो भी पिछला रिजल्ट आया उसके आधार पे अब सब बात करेंगे कि किस दिन आएगा बचे हुए छात्रों का रिजल्ट। साथ ही दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं बताने वाला हूँ, वो 50 छात्रों का यूफेम, कुछ रिजल्ट्स, मिरर, कुछ आपके कमेंट्स के जवाब, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। तो वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 50 छात्रों का यूफेम कैसे लगा है। तो गाइस, जो भी रिज़ल्ट आया था ना सेकंड ईयर का और फाइनल ईयर के सीओपी का रिज़ल्ट, कई लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के सीओपी का रिज़ल्ट आ गया, तो भैया फर्स्ट ईयर के सीओपी का ऑफिशियली तौर पर रिज़ल्ट नहीं आया है, ना ही सेकेंड ईयर ना ही थर्ड ईयर, सिर्फ फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया है। कैरी ओवर के जो भी पेपर्स थे और सेकेंड ईयर के रेगुलर कैटेगरी छात्रों का रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट में 50 छात्रों का यूफेम बताया जा रहा है। ऑफिशियली तौर पर इकेटीयू बता रहा है कि इतने छात्रों का यूफेम लगा हुआ है। तो आप लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर लो। बाकी इसके पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था रिजल्ट को लेकर जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया था। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि जो भी बचे हुए रिजल्ट हैं, यानी कि रेगुलर कैटेगरी के जो भी छात्र हैं उनका रिजल्ट तो आ चुका है, जो भी सीओपी कैटेगरी के छात्र हैं यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उनका रिजल्ट कब तक आएगा? तो उम्मीद है कि 21 से पहले यानी कि परसों तक पूरा चांस है आ जाए, और चैलेंज इवेल्युएशन का भी वही हाल रहने वाला है, एक दो दिन में उसका भी रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं उनको भी देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। गाइज यहाँ पे देखेंगे कि कृष्णा गौतम का क्या कहना है, मेरे रिजल्ट में भी NPTY है, मैं लेटरल जो भी इंट्री लिया हुआ स्टूडेंट हूँ, मेरा पिछला रिजल्ट ऑल क्लियर है। तो भैया लेटरल वालों के साथ ही नॉन प्रमोटेड थर्ड ईयर वाला जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम छात्रों के साथ देखने को मिला है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए गाइस बात करते हैं अगले कमेंट्स की। यहाँ पे देखिए श्रद्धा एंड रघुवंशी का कहना है कि नंद रघुवंशी का कहना है कि फर्स्ट सेमेस्टर के सीओपी का रिजल्ट कब तक आएगा? तो भैया अभी फाइनल ईयर का आ गया है, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, उसके बाद फर्स्ट ईयर का ही आ गया, या हो सके एक दो दिन में सबका आ जाए कल तक। अब चलिए बात करते हैं, गुड़िया यादव का कहना है कि सर गेस मार्क लिखा हुआ है, में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता ना, अगर गेस हटाना हो तो पेपर देना होगा, अगर आप फॉर्म भरे होंगे तभी पेपर दे सकते हैं, और उस पेपर को अगर क्लियर करेंगे तो फिर गेस हट जाएगा। अब चलिए गाइस बात करते हैं, मोहम्मद अशरफ का कहना है कि भाई फर्स्ट ईयर का अभी तक नहीं आया। तो बिल्कुल भाई अभी फर्स्ट ईयर का नहीं आया है, और ये सिर्फ अफवाह है कि फर्स्ट ईयर का भी सीओपी का रिजल्ट आ गया, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे AKTU ने इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की है। अब चलिए गाइस बात करते हैं, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीफॉर्म एंड आई हैव वन बैक एनालिसिस इन माई फर्स्ट सेम, बट आई डिडंट गेट एनी सीओपी रिजल्ट। तो भैया सीओपी का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, इसलिए आपने अपना सीओपी का रिज़ल्ट नहीं पाए हैं, आप वेट करो एक दो दिन में आ जाएगा। चैलेंज रिवैल्यूएशन का जो भी रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा? तो भाई 22 तक उम्मीद है कि आ जाएगा। और DRX प्रज्वल का कहना है कि मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री में पासिंग के लिए सिर्फ 2 से 3 मार्क्स चाहिए, बट मुझे ग्रेस नहीं मिला, वेट कर लो जल्दी हो सके मिल जाए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। यस के क्लासिकल म्यूज़िक का कहना है कि फाइनल ईयर सीओपी का रिज़ल्ट नहीं आया है। भैया फाइनल ईयर में सीओपी का रिज़ल्ट सिर्फ किन का आया है? फार्मेसी वालों का, बी फार्म के जो भी छात्र हैं सिर्फ उन्हीं का सीओपी का रिज़ल्ट आया है, बाकी अभी बीटेक का भी नहीं आया है। तो ऐसे में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कल तक हो सके आपको एक बड़ी अपडेट मैं खुद वीडियो के माध्यम से दूँ, या फिर AKTU खुद बता देगा आपको सर्कुलर के माध्यम से। तो गाइज हर पल की इन्फॉर्मेशन आपको प्रकाश यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए, सबसे पहले कोई भी अपडेट जानने के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।